स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। प्रीवियस लेक्चर में होप सो आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे, रोल ऑफ थोरेसिक केज, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल इन ब्रीदिंग। अब आती है बात ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल फिनोमिना विच इन्वॉल्व टू स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको पता ही है इनहेलेशन का मतलब फ्लो ऑफ एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर फ्रॉम आउटसाइड एटमोसफियर टू विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर आना वाया क्रॉसिंग रेस्पिरेटरी पाथवे। उसी तरह से एक्सहेलेशन में एयर कहाँ से कहाँ जाती है, बाहर। अब आपने पढ़ा है कि जो लंग्स है ये एक मस्कुलर ऑर्गन नहीं है, तो लंग्स का जो वॉल्यूम घटता बढ़ता है उसको कौन रेगुलेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम घटा या बढ़ा, तो कम ओवर आवर टॉपिक ब्रीदिंग। नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम करते हैं 12 टू 16 टाइम पर मिनट, उस सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं, वी यूज टर्म यूपनिया फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। जो नॉर्मल आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, यूपनिया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्पनिया बताया था कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे। तो कम ओवर इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। व्हाट डू मीन बाय इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है बच्चों, एक्टिव। जब हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, हवा अंदर आ रही है, अपने लंग्स में भर रही है, तो उस वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एंड इट अकाउंट फॉर 2 सेकेंड। ये कितने टाइम के लिए चलती है, 2 सेकेंड के लिए चलती है। क्या होती है इनहेलेशन के टाइम पे, इंस्पिरेशन के टाइम पे, आप खुद ही, आपको पता है कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब लंग्स के अंदर हवा की एंट्री करानी है तो वहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, लो। तो लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए लंग्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान रहे आपको कि वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन होता है बच्चों, वॉल्यूम और प्रेशर का ऑलवेज इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब यदि प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रही है। तो अब यहाँ पे देखें कि एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इनहेलेशन कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बच्चों। मैंने बताया था आपको रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच लीड टू फ्लैटनिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ डायफ्राम। नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम कैसा होता है आपका, डोम शेप, लेकिन जैसे ही रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होती है डायफ्राम क्या होता जाता है, फ्लैट। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल टेक प्लेस। तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम की, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या क्या इवेंट ऑपरेट होते हैं, तो दिस कॉन्ट्रैक्शन कॉज डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड पुश टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। पहले जो डायफ्राम था वो कैसे, किस शेप में था बच्चे, डोम शेप में, किसकी तरफ था, थोरेसिक कैविटी। लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्लैटनिंग होती जाती है, डायफ्राम एक्वायर फ्लैटेंड शेप, और वो किसकी तरफ मूव करता जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है थोरेसिक कैविटी का, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा अल्टीमेट वॉल्यूम किसका बढ़ता जाएगा, लंग्स का। सेकेंड, स्टर्नम मूव वेंट्रली, स्टर्नम चेस्ट बोन कहाँ मूव कर जाती है, वेंट्रली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इंटीरियर डायरेक्शन रीड मूव टूवर्ड्स आउटसाइड एंड वेंट्रल साइड। तो अल्टीमेट जब ऐसी मूवमेंट होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अल्टीमेट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम क्या हो गई बच्चों, बढ़ गए। दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। अब वॉल्यूम बढ़ा है, फैलता जा रहा है अपना थोरेसिक केस, तो अल्टीमेट लंग्स को भी क्या मिला, स्पेस मिला। तो अल्टीमेट लंग्स भी फ्लटेंड, आप कहें कि एक्सपेंड होता जाएगा, क्योंकि बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है अपना लंग्स। तो जब थोरेसिक केस एक्सपेंड करेगा अपना, अल्टीमेट थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी अपनी, तो अपना लंग्स भी एक्सपेंड करता जाएगा। एंड दिस लीड टू, अब जब एक्सपेंशन हो चुकी है लंग्स की, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। इन दिस लीड टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब विद इन, पल्मोनरी मतलब लंग। लंग के अंदर प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज बाय 1 to 3 mm Hg column एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन यदि हम कहें कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर x है, तो उससे कितने टाइम अपना लंग का प्रेशर कम हो जाता है, 1 to 3 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि कितना पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता है, या सॉरी कितना पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, 1 to 3 mm ऑफ मर्करी कॉलम।
अब प्रेशर कम हो चुका है तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, आउटसाइड टू इनसाइड. सो एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इनहेलेशन. तो एक बार मैं समराइज करा देती हूँ कि इनहेलेशन कैसी प्रोसेस है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस. कितना टाइम लेते हैं हम जो सांस पूरी रेस्पिरेटरी पाथवे को क्रॉस करती हुई अल्टीमेट अल्वोलाई तक पहुंची, इट अकाउंट टू सेकेंड, दो सेकेंड लगते हैं इसको. और मेजर रोल इसमें किसका है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. दोनों ही क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वॉल्यूम को, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, अल्टीमेट प्रेशर घटता है, इसीलिए एयर बाहर से कहाँ आ जाती है, अंदर. एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इनहेलेशन. नेक्स्ट कम ओवर एक्सहेलेशन. क्या होती है एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन. अब ऑक्सीजनेशन हो चुकी है हमारे ब्लड की, तो अब जो हमारा अल्वोलाई है उसके अंदर किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, CO2 का. तो उस फाउल एयर को जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ चुका है, उस एयर को हमें बाहर निकालना है. एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सपिरेशन. अब ध्यान से सुने, इस प्रोसेस में नॉर्मली किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं. अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी. नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात करें तो जो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी मसल, वो अपनी नॉर्मल शेप ले लेती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं. किस केस में, एक्सपिरेशन में. तो नॉर्मल एक्सपिरेशन इज अ पैसिव फिनोमिना इन अकाउंट फॉर 3 सेकेंड. कितने सेकेंड में एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन अपनी खत्म हो जाती है या ऑपरेट होती है, 3 सेकेंड. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल डज नॉट टेक प्लेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. इसमें बच्चों बहुत गलती करते हैं. बच्चों को लगता है कि वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यहाँ इंटरनल इंटरकोस्टल. एक्चुअल में नॉर्मल एक्सहेलेशन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती. जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन गेन करती हैं, वापस से रिलैक्स होती हैं. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिलैक्सेशन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल टेक प्लेस. अब वापस से वो कहाँ आ चुकी है, अपनी वर्चुअल अपने नॉर्मल शेप में आ चुकी है. एज अ रिजल्ट ऑफ रिलैक्सेशन डायफ्राम स्टर्नम एंड रिब अटेन देयर एक्चुअल पोजिशन. वापस से जो अपनी थोरेसिक कैविटी थी जो एक्सपेंड हुई थी, वापस से कहाँ आ चुकी, अपनी नॉर्मल शेप एक्वायर कर ली. अब नॉर्मल शेप एक्वायर करेंगी तो किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, लंग्स. तो धीरे से थोड़ा सा लंग्स क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. दिस लीड टू वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज. वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हुआ. यदि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वो किसके ऊपर प्रेशर डालेंगे बच्चों, लंग्स पे. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. एंड नाउ एयर गोज आउटसाइड. एयर कहाँ चलेगी, आउटसाइड. ये मैं किसके बारे में बता रही थी, ये मैं आपको नॉर्मल एक्सहेलेशन के बारे में बता रही थी. नॉर्मल, जब आप नॉर्मली आराम से रेस्ट में बैठे हो तो जो आप एयर पास आउट कर रहे हो अपने रेस्पिरेटरी पाथवे से एटमॉस्फेयर में, उस एक्सहेलेशन की. लेकिन अब मैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करते हैं. जैसे आप योगा अभ्यास करते हो, आप तेज सांस लेते हो, तेज सांस छोड़ते हो, स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, तो उस टाइम पे कैसी एक्सहेलेशन ऑपरेट करते हैं, फोर्सिबल एक्सहेलेशन. बहुत तेजी से एयर बाहर निकलती है, तो उस टाइम पे कौन से फिनोमिना होती है उसके बारे में ध्यान से देखें. एक्सपिरेशन ड्यूरिंग स्नीजिंग कफिंग एंड योगा अभ्यास, जो आप योगा करते हो प्राणायाम करते हो, कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ये मैं किसके बारे में बता रही थी, नॉर्मल एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन के बारे में. नाउ मैं अब एक्सप्लेन करूंगी आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बारे में. इस चीज को ध्यान से देखिए, अगेन ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट. वहां पे कौन सी इनहेलेशन में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी आपकी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल. और यहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. लेकिन ये कैसी प्रोसेस है बेटा, नॉर्मल एक्सहेलेशन नहीं है, ये कैसी एक्सहेलेशन है, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं हम एयर को. पुल द रिब्स इनवर्ड. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये मसल इंटरनल, तो ये रिब्स को कहाँ खींचेंगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड. इनवर्ड डायरेक्शन में रिब्स खिंचता जा रहा है तो किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता जाएगा, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर ओवर लंग्स. और लंग्स का यदि प्रेशर, लंग्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है. और जितना वॉल्यूम घटेगा उतना पर्मनेंटली प्रेशर बढ़ता जाएगा और एयर कहाँ निकल जाएगी, बाहर. एंड दैट फिनोमिना इज सेड टू बी फोर्सिबल एक्सहेलेशन.
Now internal intercostal muscle contract and this pull the rib inward. Inward ribs, ribs कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, inward जा रही है. And volume of thoracic cavity highly decrease and this air, foul air rush outside forcibly. तो एक बार फटाफट रिकॉल कराती हूँ. इनहेलेशन में किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है? रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. नॉर्मल एक्सहेलेशन में किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है इनहेलेशन में वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आती हैं, रिलैक्स होती हैं. और फोर्सिबल एक्सहेलेशन की बात करें तो उसमें कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो एक्चुअल में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल डजेंट प्ले एनी वाइटल रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सहेलेशन, बट इट प्ले वेरी वाइटल रोल इन फोर्सिबल एक्सहेलेशन. तो होप सो आपको क्लियर होगा कि कैसे वॉल्यूम घटता है और कैसे एयर इनसाइड आउटसाइड मूव करती है. थैंक यू.